नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हरिद्वार में हूँ और इस वक्त मैं हर की पौड़ी धाम पे मौजूद हूँ और अभी समय है संध्या गंगा आरती की। तो आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ गंगा आरती की जा रही है। ये जो रोशनी आप देख रहे हैं और भीड़, ये सभी लोग गंगा आरती में शामिल होने आए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं संध्या काल गंगा आरती। तो आप देख सकते हैं नदी के किनारे घाट पे काफ़ी सारी दुकानें भी लगी हुई हैं और काफ़ी सारे दूर दूर से लोग भी आए हुए हैं। और ये गंगा आरती का टाइम है, तो आप देख सकते हैं चारों तरफ गंगा आरती हो रही है, सभी कोई गंगा आरती ले रहे हैं। और दोस्तों, वो दूर आसमान में जो लाइट दिखाई दे रही है वो है मनसा देवी मंदिर। जैसा प्रतीत हो रहा है जैसे आसमान में लाइट दिखाई पड़ रहे हैं, देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई एलियन शिप आ गया हो आसमान में। और इस वक्त मैं हर की पौड़ी ब्रिज पर चल रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारी ब्रिजेस बनाया गया है, आप देख सकते हैं ब्रिज पर ही काफ़ी सारी दुकानें लगा दी गई हैं और लोगों का तांता लगा हुआ है। अभी मेन आरती का टाइम है, तो चलिए आगे भी आपको दिखाते हैं। और ये गंगा जी का बहाव देख सकते हैं, काफ़ी तेज़ बहाव है यहाँ पर। प्रयागराज प्रयागराज अरे तो हिया प्रयागराज हिया ट्रस्ट लग लको ये देने आए ने आए ने इस साइड तो दोस्तों, ये हर की पौड़ी का सबसे मुख्य स्थान है, यहीं पर गंगा आरती की जाती है। जो मुख्य आरती होती है यहीं पर होती है। तो थोड़ा लेट हो चुके हैं हम लोग, इस वजह से देर से पहुँचे, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी लोगों का काफ़ी भीड़ लगा हुआ है और अभी भी लोग स्नान कर रहे हैं। और ये क्लॉक टावर है, ये काफ़ी प्राचीन क्लॉक टावर लगता है देखने से। तो
और दोस्तों यहाँ पर हमेशा भीड़ होती है, लेकिन कुंभ के मेले में और मकर संक्रांति के दिन कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग और साधु संत यहाँ डुबकी लगाने के लिए आते हैं। तो गाइस, संध्या आरती की ये वीडियो हरिद्वार की आज यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल हम लोग चलेंगे ऋषिकेश, तो आप ऋषिकेश का वीडियो भी ज़रूर देखें। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में।